पंजाब तो अपनी मजबूरियां खातर प्रवास कर रही नौजवानी किवें तरह तरह करके मर रही है, इसकी ताज़ा उदाहरण भी एक सामने आई है। 17 वो नौजवान पंजाब ते हरियाणा नाल संबंध रखने वाले जिन्हों राज्यसभा के मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी होरां दी मदद दे नाल वापस भारत लिया गया। वो नौजवान भी उन्हों का धन्नवाद करते नहीं थक रहे। उन्होंने नौजवानों ने बड़े ही अहम गल्लां दिसियां ने जिहड़ियां उत्थे कि दिल कंबाऊ ने रूह कंबा देणगियां। वह कहिंदे कि लीबिया दे विच असीं फसे सी, ठग ट्रैवल एजेंटां दा असीं शिकार हो गए। सानूं इत्थों जदों पैसों दे बदले कहा गया कि किहड़े मुल्क लैके जावांगे पर छड्ड कित्थे दित्ता गया। इस तरह ही मस्कट दे विच कई औरतां जाके फस जांदियां ने, खास करके गरीब घरां दीआं औरतां शिकार हो रहीआं ने क्योंकि निगोणी जी रकम दे बदले उहनां नूं बाहरले मुल्कां दे विच वेच दित्ता जांदा है। ये आए दिन की कहानी बनी हुई है। ठग ते फर्जी ट्रैवल एजेंटा नूं नत्थ किवें पवेगी सब तो वड्डा सवाल है। हालांकि इस बाबत जिहड़े महकमे दे मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वह दो बार इस गल दे उत्ते जोर दे चुके ने कि असीं ठग ट्रैवल एजेंटा दे उत्ते नकेल कसांगे, कार्रवाई करांगे, पर फिर भी ये आए दिन उदाहरणां सामने आ जांदियां ने। 17 वो नौजवान जिहड़े अपनी हड्ड बीती दस रहे ने, रो रो के कुरला कुरला के उन्होंने गल्लां दसियां ने। उन्होंने कहा कि असीं अजिहे थां ते रहे जिथे सानू चार चार दिन पांच पांच दिन खाणा नसीब नहीं सी हुंदा और ये भी नहीं पता कि गोली मार के बंदे नूं दब दिओ ते ओह लभणा वी नहीं उत्थों। ये सारे जिहड़े बयान ने, ये सारियां जिहड़ियां गल्लां ने खुद अपनी जुबानी दसियां ने उन्हां नौजवानां ने कैमरे के सामने आके मीडिया के मुखातिब हुंदिया। नाल ही जिथे उन्होंने राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी का धन्नवाद किया कि उन्होंने मदद की, अद्धी अद्धी रात तक फोन भी चुकते रहे। एक उन्होंने गुरदीप सिंह नाम के शख्स का भी धन्नवाद किया कि जो सानू लोड़ हुंदी सी साड़ी कॉल अटेंड की जाती सी। पर अफसोस नाल कहना पै रहा है कि पंजाब दे विच भी जां साडे इस पासे दे कुछ मंत्री अजिहे ने जिहड़े सोशल मीडिया की वरतों तां खूब करदे ने पर गल नहीं सुणदे, रिप्लाई तक नहीं दिंदे। ये भी जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां नौजवानां ने दसियां ने मीडिया के सामने आके खुल के गलबात की है। इस दे बारे जिहड़ी जानकारी सांझी की गई है, आम आदमी पार्टी दे राज्यसभा मैंबर ने जिहड़े विक्रमजीत सिंह सानी उन्होंने भी मीडिया नाल गलबात करदे आ तजर्बा दस्सिया कि उन्होंने किवें इन्हां नाल संपर्क किया इन्हां नौजवानों ने, तो फिर मदद करन दे लई भारत सरकार का सहयोग किवें लिया गया। पंजाब तो राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने पंजाब ते हरियाणा के 17 नौजवानों नूं पिछले 3 महीनों तो जो लीबिया च फसे सी उन्हां दी वतन वापसी करवाई है, ये मदद की है। ये सारे नौजवान नकली एजेंटा के शिकार हो गए सन। फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चलता है प्रवास की खातर क्योंकि जदों पैसे लैके अजिहे जिहड़े ठग ट्रैवल एजेंट ने पैसे लैन लग्गिआं गल होर दसदे ने और जदों नौजवान इन्हां दे जाल विच फस जांदे ने, ट्रैप च आ जांदे ने, ते उदों गल्लां होर हो जांदियां ने। नौजवानां ने अपनी जुबानी दस्सिआ ये सारे नौजवान नकली एजेंटां दा ही शिकार होए सन और हर रोज़ जाली ते नकली एजेंटां ते नकेल कदों कसी जाएगी ये सब तो वड्डा सवाल है। उन्हां नौजवानां ने जो अपनी हड बीती दसी है उस दे विच इक गल साफ है कि उत्थे किस तरह के हालात होणगे। इस तरह मस्कट वर्गे जिहड़े शहर ने जां छोटियां मोटे होर इस तरह के जिहड़े मुल्क ने उत्थे इत्थों के नौजवान चाहे वह पंजाब नाल संबंधित ने जां उत्तर भारत नाल संबंधित ने, हालांकि जिहड़े 17 नौजवान इन्हां दा संबंध मूल रूप दे विच पंजाब ते हरियाणा दे नाल दस्सिया जा रहा है और उन्होंने वालों ये भी जानकारी दिती गई कि उत्थे गोली मार के बंदा दब दिता जाए तां वी नहीं पता लगता। चार पांच पांच दिन जिथे असी रहे खाना तक नसीब नहीं सी हुंदा, भुखे भाणे असी किस तरह उस दिन कट्टे ने सानू ही पता है, असी ही जानते हैं। ये सारी हड़बीती रो रो के उन्हां नौजवानों ने मीडिया के सामने दसी है और कहा कि अफसोस नाल कहना पै रहा कि जदों मदद लई असी मंगदे रहे मदद मंगते रहे तो बहुत सारे अजिहे मंत्री ने जिहड़े सोशल मीडिया से एक्टिव तो बहुत रहिंदे ने, गल्लां तो बहुत करते हैं पर साडी मदद तक नहीं की गई, रिप्लाई तक नहीं किए गए। पर उत्थे ही उन्होंने राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी का धन्नवाद जरूर किया कि उन्होंने मदद नाल उन्होंने सहयोग के नाल ही भारत सरकार के नाल उन्होंने संपर्क किया, फिर किस ढंग के नाल लीबिया विचों उन्होंने सुरक्षित वापस वतन जिहड़ी वापसी आ करवाई गई है। अजिहे नौजवान होर भी शिकार ना होण, चाहे कुड़ियां ने चाहे मुंडे ने, इस दे लई सारिआं नूं सावधान रहना चाहीदा, खास करके मापिआं नूं जिन्हां ने अपनी जिंदगी की कीमती जिहड़ी बनाई पूंजी है वह भी बर्बाद ना होवे ते उन्हां दे जिहड़े धी पुत्तर ने वह भी किसी के अड़िके ना चढ़ जाण, गलत जिहड़े एजेंटां दे शिकार ना हो जाण। इस दे लई पंजाब सरकार नूं भी चाहीदा है कि समय सिर दे उत्ते थां थां दे उत्ते जिहड़े खुल्ले ने खुंभां वांग जिहड़े सेंटर ने जिहड़े कि एक थां दे उत्ते दफ्तर खोलदे ने फिर अपनियां कंपनियां दा नां बदल के सैकड़े जिहड़े करोड़ां रुपए ने उह इकट्ठे कर लैंदे ने ते फिर रफू चक्कर हो जांदे ने, अंडरग्राउंड हो जांदे ने। उहनां सारिआं दे उत्ते समें सिर दे उत्ते कार्रवाई की जाए, नकेल कसी जाए ताकि नौजवान अगे तो भी इसका शिकार ना हो।
हालांकि सिलसिला अज का नहीं है, काफ़ी लंबे समय तो प्रवास का जो चल रहा सिलसिला उस दे विचों ठगी का शिकार हो जाते हैं नौजवान। तो 17 नौजवान वतन वापस परते ने जिस विच बहुते हरियाणा ते पंजाब नाल संबंधित ने। तुसी की समझते हो कि ठग ट्रैवल एजेंटां दे उत्ते जेकर नकेल कसनी है नत्थ पाउणी है तो उसके लिए तुहाडा कोई सुझाव है कि इस तरह भी चोर मोहरियां रखियां ने उन्होंने इस तरह भी वो लोगों ठगते हैं उसके बारे अपने सुझाव जरूर सांझे करो। फिलहाल बने रहो ABC पंजाब दे नाल।